सबसे पहले इस बिल्डर ने आपको स्मार्टफोन्स के जरिए होम कंट्रोल सॉल्यूशंस दिए और अब आप तैयार हो जाइए एक ट्री थेरेपी के लिए। फ्री थेरेपी नहीं, ट्री थेरेपी। अब आपके घर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी और आपकी सोसाइटी में तुलसी, कल्पवृक्ष, नीम और अर्जुन जैसे पेड़ पौधे होंगे। 2020 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और उस टाइम पर पूरी दुनिया को इम्यूनिटी और हेल्थ की अहमियत समझ आ चुकी थी, बिकॉज एवरीबडी वॉज जस्ट रनिंग अराउंड फाइंडिंग दीज मेडिसिनल सॉल्यूशंस फॉर देमसेल्व्स। हम अपने घर के अंदर ही ऐसे प्लांट्स ढूंढ रहे थे, ऐसी ऐसी चीज़ें हम कर रहे थे अपनी इम्यूनिटी को बचाने के लिए। बस उस टाइम पर TNT ने फोकस किया कि अब वो ऐसा अपने प्रोजेक्ट में क्या लेकर के आ सकते हैं जो कि आजकल के माहौल के हिसाब से बिल्कुल एप्ट होगा। सो दे केम अप विद दिस न्यू आइडिया विच वॉज नेवर सीन बिफोर। दे केम अप विद दिस थेरेप्यूटिक एंड आयुर्वेदिक वेलनेस बेस्ड प्रोजेक्ट इन गाजियाबाद इन सिद्धार्थ विहार नेम्ड यूटोपिया। नमस्कार, स्वागत है आपका द नेस्ट स्टोरी पर, योर रियल एस्टेट फ्रेंड ऑनलाइन। एंड आई एम दीक्षा सिंह सिसोदिया, योर रियल्टी असिस्टेंट। और आज हम आ चुके हैं गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में आपके लिए एक प्रोजेक्ट रिव्यू करने जिसका नाम है यूटोपिया। और ये ग्रीक आर्किटेक्चर, यस दैट इज़ यूटोपिया। लोकेशन सिद्धार्थ विहार की है और यूटोपिया के जस्ट सामने आपको गौर्स इंटरनेशनल स्कूल मिल जाएगा और उसके ठीक पीछे गौर्स की एक और सोसाइटी भी है गौर सिद्धार्थम के नाम से। प्रतीक ग्रैंड सिटी है यहाँ पर, एपिक्स क्रेमलिन है यहाँ पर। और यहाँ की जो लोकेशन है, ऑफ कोर्स जो इंडिया का सबसे पहला 14-लेन नेशनल हाईवे था NH-24, उससे बहुत ही पास है। कमर्शियल के ऑप्शन जो हैं वो प्रतीक ग्रैंड सिटी के साथ मिल जाएंगे और प्रताप विहार का भी ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके ठीक ऑपोजिट आपको वो जगह मिल जाएगी। और सेक्टर 62 का जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। या दैट प्रीटी मच सम्स अप द कनेक्टिविटी फॉर सिद्धार्थ विहार एंड स्पेशली फॉर यूटोपिया। प्रोजेक्ट लेआउट देख लेते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट का, जो कि काफ़ी नया है। आई एम श्योर आप लोगों को भी ये चीज़ अब तक समझ आ रही होगी कि काफ़ी नई नई चीज़ें यहाँ पर TNT लेकर के आ रहे हैं। सो 8 acres का पूरा लैंड पार्सल है जिसमें 11 towers बन रहे हैं। 6 towers आपके phase 1 में होंगे और 5 towers आपके phase 2 में होंगे। कंप्लीट टोटल ऑल इन ऑल 720 अपार्टमेंट्स हैं पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। गाजियाबाद का वन ऑफ द लोएस्ट डेंसिटी प्रोजेक्ट है ये, और हो भी क्यों ना, यहाँ पर आपको बहुत कम फुटफॉल मिलने वाला है, बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी का ध्यान रखा गया है इधर। एंड आपको जो क्लब हाउस मिलेगा इस सोसाइटी में, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली स्प्रेड अक्रॉस एन एरिया ऑफ 20,000 square feet, जिसके अंदर आपको नीडल थेरेपी, पंचकर्मा थेरेपी जैसे आयुर्वेदिक सेशंस मिलेंगे। जिन लोगों को नेचर के आसपास रहना बहुत पसंद है, और ऑफकोर्स किसे नहीं पसंद होता, उन लोगों के लिए यूटोपिया उनकी फर्स्ट एंड प्राइमरी चॉइस डेफिनेटली बन सकती है। सोसाइटी के अंदर 3-level स्विमिंग पूल होगा, कैस्केडिंग स्विमिंग पूल होगा, टेम्परेचर कंट्रोल्ड होगा। एंड यहाँ पर मल्टी-level बेसमेंट पार्किंग्स भी हैं। यहाँ पर जो साइजेस शुरू हो जाते हैं वो होते हैं 1895 स्क्वायर फीट और 2095 स्क्वायर फीट, एंड देन यू गो अप टू 2295 स्क्वायर फीट एंड 2495 स्क्वायर फीट, एंड द बिगेस्ट साइज हियर इज 2990 स्क्वायर फीट। नाउ दिस इज द एक्चुअल लॉबी जो कि आपके 4 BHK के टावर्स में आपको मिलेगी, जिसका आपको साइज़ मिलेगा 2990 स्क्वायर फीट का। ये आपके टावर की एंट्रेंस होगी। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू कवर द सैम्पल अपार्टमेंट विद एन एरिया ऑफ 2990 स्क्वायर फीट। बट उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज़, एक 4 BHK के साथ आपको एक सर्वेंट रूम भी मिल रहा है, एंड दिस इज़ योर सर्वेंट एरिया विद एन अटैच वॉशरूम हियर। एंड नाउ वी विल मूव टू द मैजिक दैट TNT बीहोल्ड्स। Please allow me to welcome you into this beautiful foyer area. जैसे आप एंट्रेंस यहाँ पर एंटर करते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि ये काफ़ी ग्रैंड होने वाला है बिकॉज ऑफ द सीलिंग हाइट। एंड द फर्स्ट रूम हियर इज दिस रूम, जो कि आप गेस्ट रूम की तरह कंसिडर कर सकते हैं विद एन अटैच्ड वॉशरूम। और आप उस फर्स्ट अपने गेस्ट रूम से आते हैं अपने लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस में। दिस इज़ योर वेरी ब्यूटिफुल लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस। दिस इज़ योर लिविंग एरिया, जिसके ठीक पीछे यहाँ पर आपको एक बालकनी मिल रही है। दिस इज़ द बालकनी दैट इज़ अटैच्ड टू योर फर्स्ट गेस्ट रूम एज वेल।
और अब हम आगे बढ़ते हैं आपके डाइनिंग की तरफ। ये आप अपने डाइनिंग एरिया की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये स्पेस सैम्पल में खाली छोड़ी हुई है ताकि आप भी इमेजिन करें कि कैसे आप उस स्पेस को कन्वर्ट करना चाहते हैं। एंड दिस इज़ योर ओपन किचन। आई लव ओपन किचन्स, ऑनेस्टली आई रियली डू। मुझे क्लोज किचन का कॉन्सेप्ट उतना कुछ खास नहीं जमता। सो यहाँ पर जो भी आप स्पेसिफिकेशंस देख रहे हैं, चिमनी, हॉब, मॉड्यूलर किचन एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सब आपको बिल्डर ऑलरेडी करके दे रहे हैं। एंड दिस इज़ योर सिंक एरिया विच इज़ डिफरेंट, पैरेलल काउंटर्स किचन है। एंड हियर इज़ योर यूटिलिटी बालकनी और ये है आपकी ग्रैंड लॉबी। बट उससे पहले आ जाता है आपका पाउडर रूम, जो कि मोशन सेंसर बेस्ड है। सो ऑफ कोर्स पाउडर के बाद आप हम आएंगे आपके किड्स रूम में। दिस इज़ योर किड्स एरिया। इवन फॉर अ किड्स बेडरूम दिस इज़ सो बिग। एंड काफ़ी सारी यहाँ पर आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक अटैच वॉशरूम है और यहाँ पर एक अटैच बालकनी है जिसे हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे जस्ट आगे। ये हो सकता है आपका पूजा कॉर्नर या फिर आप इसे एक बार काउंटर की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश कम्प्लीटली। एंड हियर इज़ द मोस्ट अवेटेड और आई वुड से द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस हाउस, विच इज़ द प्राइवेट फैमिली लाउंज। यानी कि आपके लिए एक फॉर्मल लिविंग स्पेस तो बाहर है ही, बट आपको अपनी फैमिली के साथ कोई एक अलग सा स्पेस चाहिए था जो कि आपके गेस्ट्स इन्वेड ना करें तो आपकी प्रिवेसी मेंटेन रहे, उसके लिए दिस इज़ द इनफॉर्मल स्पेस इन दिस हाउस। दिस इज़ द फैमिली लाउंज जिसके साथ यहाँ पे अटैच्ड बालकनी है। और अब हम उधर मास्टर बेडरूम है, बट हम उससे पहले एक और रूम जो है वो कवर कर लेते हैं। वुडन फ्लोरिंग है हर एक रूम के अंदर, सो यू नो वो जो फील है एक प्रॉपर लुक एंड फील वो प्रॉपरली मेंटेन हो चुकी है पूरी सोसाइटी में। एंड द लोडिंग इनसाइड दीज रूम्स आई फील इज़ प्रिटी लेस, जिसकी वजह से ना रूम्स की जो आपको लग रहा है कि स्पेस वो बहुत ज़्यादा उभर करके आ रही है लोडिंग की वजह से, ये चीज़ काफ़ी इम्प्रोवाइज हो गई है। एंड दिस इज़ द यू नो कबर्ड सेक्शन हियर, अ ह्यूज बेड एंड अगेन एन अटैच्ड बालकनी। मतलब वेंटिलेशन के लिए तो कोई जगह इन्होंने बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं दी है कि आपको कोई भी मौका दें कंप्लेंस का। एंड दिस इज़ योर अटैच्ड वॉशरूम ऑफ दिस हाउस, ऑफ दिस रूम। हाउस में तो इतने सारे वॉशरूम्स हैं और इतनी सारी बालकनीज हैं। और रूम से याद आया कि अब हम आते हैं आपके मास्टर बेडरूम की तरफ, जिसकी एंट्रेंस होती है कुछ इस तरीके से। ये आपका मास्टर बेडरूम है TNT यूटोपिया के अंदर, जो कि अटैच्ड है ऑफ कोर्स एक और बालकनी। द बालकनी जस्ट डोंट स्टॉप हियर एट यूटोपिया, आई एम टेलिंग यू। एंड दिस इज़ योर कबर्ड स्पेस। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, इन फैक्ट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग आई वुड से, इज़ द वॉक इन वार्डरोब। यहाँ पर भी आपको कबर्ड स्पेस मिल जाएगा। एंड द बाथरूम हियर, सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँ इससे पहले कि मैं आपको एक बाथरूम टूर दे दूँ इस चैनल पर बट उससे पहले TNT ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ करी कि जब वो सैम्पल बना रहे थे प्रॉपर्टी के लिए तो फिर वो फीडबैक लेते थे। दे यूज़ टू टेक फीडबैक फ्रॉम एवरी कस्टमर हु यूज़ टू कम एंड सी देयर सैम्पल अपार्टमेंट्स, और उस फीडबैक के ऊपर उन्होंने काम किया और फिर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में ऐसे कुछ चेंजेस किए जो कि सबसे मैक्सिमम लोगों की चाह थी, जो मैक्सिमम लोग अपने प्रॉपर्टी के अंदर चाहते थे। एंड देन दे केम अप विद दिस काइंड ऑफ अ वॉशरूम स्टाइल आइडिया विच इज़ प्रिटी रेयर। नाउ दिस बाथटब इंस्टॉल्ड विद दिस एंटायर ग्लास हियर, जिससे आपको बाहर का भी पूरा व्यू आएगा। और यहाँ की जो बाथरूम फिटिंग्स हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी प्रीमियम। एंड यू नो दीज गोल्ड प्लेटेड हैंडल्स एंड नॉब्स, ये सब कुछ आपको बिल्डर ऑलरेडी स्पेसिफिकेशन में आपके फ्लैट के साथ करके दे रहे हैं। ऑल दीज टाइल्स एंड ऑल दिस डिज़ाइन, एवरी थिंग इज़ इंक्लूडेड ऑलरेडी इन योर ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट। और अभी हम जो सैम्पल देखने जा रहे हैं दैट इज़ एन एक्चुअल अपार्टमेंट ऑफ एन एरिया ऑफ 1895 स्क्वायर फीट। कम लेट्स चेक दिस आउट।
किस किस को ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी? देखो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, आई विल टेल यू, यूटोपिया इज़ द फ्यूचर ऑफ रियलिटी, रियल एस्टेट आई वुड से, क्योंकि यार आप देखो घर के अंदर AI, घर के बाहर आयुर्वेदा, ये इतना डेडली कॉम्बिनेशन है जिसको पुल ऑफ करना आई वुड से इज़ सो डिफ़िकल्ट, बट TNT हैज़ रियली यू नो डन अ ग्रेट जॉब बाय यू नो इनकॉर्पोरेटिंग दीज न्यू आइडियाज़। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लग रही है कि ये हर एक प्रोजेक्ट के साथ कुछ ना कुछ नया इनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू पुल ऑफ समथिंग दैट हैज़ नेवर सीन बिफोर विद ईच प्रोजेक्ट। इट्स लाइक यू नो यू ट्राई टू अपग्रेड योर सेल्फ आफ्टर एवरी हार्ट ब्रेक, सो आई थिंक दैट इज़ प्रिटी इंटरेस्टिंग फ्रॉम देयर एंड। और आपको इतनी इंक्लूसिव चीज़ें, ऑल इंक्लूसिव चीज़ें मिल रही हैं अपने अपार्टमेंट के साथ, जहाँ पे आपको फैंस, सीलिंग्स एंड इनफैक्ट ये जो सैम्पल आपने देखा है 2990 का, इसके अंदर आपको VRV मिलेगा पूरे घर में। बाकी जो आप देखेंगे, साइजेस देखेंगे, उसके अंदर आपको स्प्लिट ACs मिल रहे हैं, 4 स्प्लिट ACs हैं, जो दूसरा आपको साइज़ मिलेगा 4 BHK का, सो देयर यू गेट दैट स्पेसिफिकेशन। और यहाँ पर आपको फुली फंक्शनल किचन मिल रहा है, टेक्स्चर या वॉलपेपर पेंट मिल रहा है, ड्राइंग रूम में या फिर मास्टर बेडरूम में आप करवा सकते हैं उसे, एंड ऑल दीज डिटेल्स जिनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। यहाँ पर जो पूरा का पूरा प्लॉट है, दैट इज़ अ 3-साइड ओपन प्लॉट, सो यहाँ पर जो आपको यू नो मूवमेंट मिल रही है, दैट इज़ वेरी ईजी, कंजेशन नहीं है सोसाइटी में। एंड यू नो अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी इनकी प्राइस रेंज है इस वक्त, दैट इज़ 8,000 बेसिक प्राइस है, जिसके ऊपर PLC लगेगी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे, पोजेशन चार्जेस होंगे, एंड दैट विल कीप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द फ्लोर साइजेस, आप कौन सा फ्लोर ले रहे हो, किस फ्लोर पे आपका यूनिट होने वाला है। सो इस प्राइस रेंज में अगर मैं इसको, चलो आप मान लो ग्रेटर नोएडा से कंपेयर कर दूँ, जहाँ पर बेसिक जो प्राइस रेंज चल रही है वो 7,500 से 11,000, या फिर आप कह सकते हैं अब तो 13,000 14,000 भी जा रही है, सो उस हिसाब से, और जो फीचर्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, तो ये आई फील इज़ अ वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन जो आपको बाकी के सोसाइटीज़ में मिल रहा होगा और जो आपको TNT देने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक दिस इज़ समथिंग प्रीटी फैंटास्टिक, स्टील डील कम्प्लीटली वर्थ इट। यहाँ पर जो पोजेशन आएगा वो Phase 1 का आप कह सकते हैं, अगले साल तक आ जाएगा, अलग अलग टावर्स का अलग अलग पोजेशन डेट है, एंड अगले साल यानी कि 2024 में, और जो एज़ पर रेरा डेट है दैट इज़ mid-2026। कैसा लगा आपको हमारा आज का रिव्यू, आप हमें नीचे कमेंट करके डेफिनेटली बता सकते हैं, और आपको बताना भी है, प्लीज़ हमें फीडबैक देते रहिए कि हम कैसा काम कर रहे हैं और हमें आगे कैसा काम करना चाहिए, आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स और कंपैरिजंस भी देखना चाहते हैं, वो सब प्लीज़ कीप टेलिंग अस, कीप शोइंग अस योर सपोर्ट एंड लव इन दिस जर्नी। This is Diksha Singh signing off with my very talented friend Sohail Saifi in this video. See you in the next project review. Until then, bye-bye. Take care. Namaste.